फादिया, गाने का शौक तो आपको बचपन से था, ये तो हमें पता है, लेकिन कौन सी एज में आपको एहसास हुआ कि नहीं, संजीदगी से सीरियसनेस के साथ, कि हाँ अब मैंने सिंगिंग को ही प्रोफेशन बनाया। यार मैं जहाँ भी जाती थी मुझे स्टेज पे बुला लेते, मैंने कहा फिर पैसा कमाओ। ऑनेस्ट स्टेज पे बुला लेते क्या? यस, बट आई स्टार्टेड एक्चुअली, मैं स्कूल से ही, जब मेरे भाई की रहती हुई थी उस वक्त मैं क्लास 2 में थी, तो वो भी अपने स्कूल में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्से लेता था। अच्छा। सो मैंने जब उसकी डेथ हुई तो मैंने अपनी अम्मी से कहा था, मुझे बचपन के हादसात आपको याद रहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, तो मैंने अम्मी से कहा था कि अम्मी मैं भी स्कूल में हिस्सा लूँगी और मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी जहाँ से नदीम भाई ने फिनिश किया है। अच्छा। तो मैं वहाँ पर फर्स्ट आ गई। अच्छा। तो मैं कभी सेकंड नहीं आई। माशाल्लाह। तो मैं यूके में भी मेरा चलते रहे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में भी फर्स्ट आई, फिर उन्होंने मुझे कहा आप ऐसा जज आए, मैंने कहा नहीं जज को पैसे नहीं मिलते। अच्छा, आपकी डिमांड थी कि जहाँ पे जाना है पैसे लेके जाना है? नहीं, वो एक्चुअली शुरू में फ्री बहुत कर लिया ना। हाँ। तो फिर मैंने सोचा अगर एक टैलेंट है हमारे जिस्म के अंदर ही, हमें अल्लाह मियां ने हमारा रिस्क का कोई जरिया दिया होता है, सो वो आपकी बात हो सकती है, रेडियो पे जो लोग काम करते हैं, ये लोग जो टीवी में हैं, सिंगर हैं, मतलब कोई ना कोई आपका एक होता है, अगर उस पर फोकस कर लें तो आई थिंक यू कैन डू एनीथिंग। हाँ। अच्छा, तो फिर आपने म्यूजिक के लिए बाकायदा किसी से सीखा था? नहीं है वाकई? वैसे आप, मेरा ख्याल है कि शायद पहली सिंगर हैं जिनका मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, उन्होंने कहा है कि उनका कोई उस्ताद नहीं है, वरना माशाल्लाह वो तो बिल्कुल सबसे बड़े उस्ताद। उसके बाद वक्त, ये जो वो बहुत कुछ सिखा देता है आपको, वक्त बहुत कुछ, मुझे तो ज्यादा ही सिखा दिया। अच्छा देखिए ना, एक फायदा हुआ ना, सिखा दिया अगर आपको तो आप इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हो, है ना? यस, बिल्कुल ऐसे ही है। आई मीन मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी, जब अब्बू की डेथ हुई थी, तो जब अब्बू का बिजनेस, भाई की डेथ के बाद अब्बू ने टोटल गिव अप कर दिया, और फिर अब्बू के हमने फिर बहुत, वो सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाली बच्ची ने फिर टफ टाइम, वो देखा कि घर में क्या हो रहा है, तो मेरा बाप कहता था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, कहता था बेटा अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, वक्त गुजर जाता है, हंस के गुजारो या रो के गुजारो, से तो गुजरना ही। अब जब मैं जितनी ज्यादा परेशान होती हूँ मैं एक्चुअली ज्यादा हंसती हूँ, है ना? और अगर मैं नहीं हंसी होती तो आई थिंक मेरा सत्यानाश हो चुका होता। अल्लाह ना। सो आई थिंक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एक एक लम्हा जो है वो जीने का ही नाम है, बिल्कुल, इस तरह या उस तरह। ये जो आपने कहा ना हंसने वाली बात, मेरे साथ ऐसा होता है, मेरी बहन के साथ जो मेरे से बड़ी है, हमारे साथ ये होता है कि अगर हम लोगों को कोई बहुत ज्यादा टेंशन हो ना तो आप यकीन करें हमें दौरा पड़ जाता है, पागलों की तरह हंसने का। मेरा भी है। इतना हंसते हैं, और तो फिर अगर अम्मा को किसी को कहेंगे कि तुम परेशानी में हो, ये तो तुम लोगों की शक्ल से तो नहीं लग रहा ना, लेकिन हम इतना हंसते हैं, हंस के लोटपोट हो जाते हैं। मतलब अभी मैं आजकल क्योंकि हॉस्पिटल में होती हूँ, मैक्सिमम टाइम मेरा डे नाइट अम्मी के साथ गुजरा है, उनकी स्पाइनल सर्जरी होनी है बहुत बड़ी, जो कि बहुत रिस्की भी है इस एज में, तो मैं रात को फ्री बैठी होती हूँ, तो नर्सेस वगैरह होती है, तो मैं अम्मी को भी लिपस्टिक शिपस्टिक ना लगा देती हूँ, अम्मी हिल नहीं सकती है अभी, पर उनको यू नो पैरों पे मालिश वालिश करके लिपस्टिक लगा के फिर खुद भी लगाई, मैंने कहा चले अम्मी सोते हैं। जो भी लम्हात हैं वो अच्छे तरीके से गुजर जाते हैं, खेल के इंसान को गुजारने जाएंगे। अच्छा, तो आपने कहा कि आपका कोई टीचर तो नहीं है जी म्यूजिक में, तो जब छोटी थी और मतलब गाना अच्छा लगता था, हर कोई स्टेज पे बुला लेता था, किसको गाती किसको थी शुरू में? मैं सबको गाती थी, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। मैंने किसी को, मैं क्योंकि स्कूल में थी, ये बात मैंने एक्चुअली रिसेंटली जस्ट 2-3 मंथ्स पहले मुझे एक्चुअली रियलाइज हुई कि मैं कॉपी क्यों करती थी। जब बच्चा होता है तो अपने घर में अपनी माँ को या अपने बड़ों को देख के वो बोलता है मैं वैसे ही करूँ, सो जब मैं मैडम को गाती थी तो मैं मैडम की कॉपी करती थी, जब मैं मुसर्रत नज़ीर को, नज़ीर या मैंने दूसरा ना, उनको गाती थी तो वो भी ऐसे ऐसे करके गाती थी, उनका हेयर स्टाइल भी कुछ ऐसे ऐसे, फिर नाही दफ्तर गाती थी तो वो भी ना उनका भी ऐसा था, वही करती रहती थी, प्यारी कर रही है, वो अंदर मेरे कहीं बसता गया। फिर आपने सोचा नहीं मुझे अपनी अलग से पहचान बनानी है। Yes, definitely. अच्छा, पहला गाना याद है कि कब कौन सा गाया था, रिकॉर्ड करवाया था? रिकॉर्डिंग जो मैंने करवाई थी एक्चुअली कोई पड़ोसी मुल्क को क्या बोलेंगे पीटीवी में, पड़ोसी मुल्क कहते हैं, ओके ठीक है, हमसाया मुल्क ओके, सो जो नेबर थे हमारे, तो उन्होंने मुझे कंपनी थी वहाँ पे, सब लोग बुला रहे थे कि भाई आए पर मैं उस वक्त सिंगिंग में आना नहीं चाहती थी, बिकॉज मीडिया का इमेज बहुत बुरा था पहले, अब तो माशाल्लाह इतनी अच्छी फैमिलीज की फीमेल आ रही हैं उसमें, लोग काफ़ी पढ़ा लिखा भी है, सो उस वक्त मुझे नहीं लगता था कि मैं मीडिया की उसको किसी भी फील्ड को हैंडल कर सकूँगी, फिर एक टाइम ऐसा है मैंने कहा यू नो वॉट जस्ट गो फॉर इट, और एक सॉन्ग एक्चुअली मैं लंदन से मैनचेस्टर आ रही थी और M1 पे मैं ड्राइव करती हूँ, मैंने
एक ब्लंडर किस्म का होता है ना, मैंने वो बस ऐसे गाते गाते मैंने ऐसी फेसबुक पे डाल दिया, उसने तो तबाही डाल दी। ठीक। वो हीर हीर एक सॉन्ग था। अच्छा। वो उसके बाद फिर मैंने एक कलाम लिखा था। अच्छा। वो मैं किताब भी लिख रही हूँ तो उसकी बहुत सारी डिटेल्स जो है वो मैं नहीं बताऊंगी, पर वो कलाम मैंने खुद लिखा था। वो आप भी थी है। अच्छा। हाँ जी, वो क्यों नहीं बताएंगी वैसे? मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक। हाँ। कि उसका एक एक जो लव्स है वो मेरी रियल लाइफ पे बेस्ड है, और वो मैंने लिखा तब था जब मैं टोटल बागी हो चुकी थी। अच्छा। जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की तो मुझे तो मैंने तो अंदाजा ही नहीं लगाया कि मेरे पे इतने लोग लग जाएंगे। तो जब वो हुआ तो फिर एक टाइम ऐसा है कि मुझे याद है मैं माइक के आगे खड़ी थी एंड मैंने कहा अब जो होगी ना वो देखी जाएगी। और मैंने एक बहुत बड़े मेघा मेले में, वो था वेतु टादे टेंदा। अच्छा। मैं उसकी दो तीन लाइन तो मैं सुनाती हूँ। हाँ बिल्कुल। और वो बड़ा वो जो उसमें एग्रेसिव उसका वीडियो बनाया था, उस वीडियो में भी चार डिफरेंट रोल्स थे। एक एक उसमें जो कमर्शियल साइड है, एक उसमें एग्रेसिव साइड है, उसमें सब कुछ डाला था। अच्छा। पूरा मसाले वाला। लेकिन जाहिर है वो शूट भी करना था क्योंकि उसको बेचना भी था ना। हाँ, जाहिर सी बात है। सो उसकी कुछ लाइन है। अच्छा। दिल बागी वे गल सुन बुला कहंदा वे आतिश दिल दी सेंदा ते कॉल अलीदा कहंदा। फिर इसमें अगली लाइन थी कि हम ओ मैं भी ताली बजा रही हूँ। वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। मैं भी अपने आप को ऐसी तालियां बजा रही हूँ। हां लव मस्ट कर दिया। मुझे पूछा कहीं किसकी वैन है, मैंने कहा अपनी। होना भी चाहिए। फिर अच्छा। इसकी जो पंच लाइन थी उसमें भी ये था कि उसमें क्या डालें। फिर मैंने उसमें जो लाइन थी सुने मैं कम तेरी अजान रब सुने क्यों दिल परेशान, ये इसलिए डाली थी कि मैं जो हमारी एक औकात है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, आप सब करते हो, आप किसी की भी मदद करते हो, आप सदका ज़कात ये तो एक फ़र्ज है हम पर ना। हाँ। उसके अलावा अगर मुझे लगता है कि मैं किसी के लिए कर सकती हूँ तो मैं उसको रोक के बोलूँगी यार ठहर जाओ, मैं कोशिश करती हूँ शायद मैं कुछ कर सकूँ तुम्हारे लिए। तो फिर मैं अल्लाह से पूछी कि अल्लाह फिर मेरा दिल क्यों परेशान है। मगर फिर एक ऐसा टाइम आता गया, ऐसा टाइम आता गया कि वो हर चीज़ का जवाब वक्त ने खुद ब खुद दिया। ज़बरदस्त। अच्छा, आपका गाना है तू दिल विच मैनू। हाँ जी, इसकी ये यूसुफ सल्ली साहब ने इसको कंपोज किया है, साहिर अली बग्गा ने इसको लिखा है, और इसके जो वोकल्स रिकॉर्ड हुए हैं वो बग्गे के जो छोटे भाई हैं चोनी। अच्छा। मीडिया में चोनी के नाम से उनका। अच्छा, है। सो वोकल्स की उन्होंने रिकॉर्डिंग की, और इसका वीडियो बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे। ठीक है। तो अभी मेरा मानना ही नहीं है कि खाना बनाओ और उसको फटाफट सर्व कर दो। हाँ, बनेगा गर्मा गर्म खाना खाने का मजा आता है ना, बासी खाने का तो मजा नहीं है। उसका कलर डिफरेंट होता है, हरी मिर्चों का कलर रख दो ना तो वो जरा फीका हरा हो जाता है। क्या बात है, क्या कुकिंग भी आती है? बहुत अच्छी है वाकई। कितनी सुगढ़ बच्ची हमारे सामने बैठी है। अच्छा, क्या अच्छा बनाती है सबसे अच्छा? यार मैं सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। निहारी क्या, तो भाई क्या, दाल चावल बिरयानी एवरीथिंग। हाय हाय। और मसाले मैं घर पे पीसती हूँ, मुझे कोई है मैंने कहा ना मुझे पागलों की तेरा फिर कोई टाइम तो बचता ही नहीं होगा, काम। अच्छा फादिया, सोशल मीडिया पर आपकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, और आजकल तो मेरा ख्याल है कि लोग उसी को स्टार मानते हैं जो सोशल मीडिया पे स्टार होते हैं, इसकी क्या वजह है इतने ज़्यादा फॉलोवर्स हैं आपके, और कैसे ख्याल आया? मैं फौजी तुम्हें एक बात बताऊँ, फायजा मैं अभी पूछने लगी। मुझ ओरिजिनल से ज़्यादा लोग नकली को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट लोगों ने बनाए होते हैं ऐसे। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आता कि इसमें उनका फायदा क्या है। हाँ, क्या फायदा वैसे? ये मैं सोच के फिर नेक्स्ट टाइम है ना, ये क्योंकि आपको आपकी समझ बहुत है। आई थिंक कुछ लक भी है। लास्ट टाइम मैंने इतने टैलेंटेड लोगों को देखा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं पर समहाउ आगे नहीं जा पा रहे, और शायद मेरा लक था कि मैं जो भी मीडिया पे डालती हूँ। मेरी एक बार मुझे ना
मैंने कुकिंग की कुछ रैंडम पिक्चर्स डाली. अच्छा. तो मैं उसमें रोटी सेक रही हूँ और यू नो, तो मुझे ना, मैं उस वक्त मैनचेस्टर में थी, तो मुझे यू साहब जी कहते तुम्हारा गाना तो वायरल हो रहा है, तुम्हारे तो कुकिंग की तस्वीर. सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग. आप आके, मतलब बहुत सारे लोग तो चाह के कोशिश करते हैं तब भी उनको इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लेकिन माशाल्लाह आपको. अच्छा फादिया, आपके अगर मैं फेवरेट सिंगर्स की बात करूँ, जैसा कि आपने कहा कि आप क्योंकि पहले मैडम को कॉपी करती थी, फिर नाहिद अख्तर, मुसर्रत नज़ीर, मेहदी हसन, ये सब लोग जो हैं ये आपके फेवरेट सिंगर्स हैं और नो डाउट ये लेजेंड्स हैं, ये हम सब लोगों को पसंद है. तो क्या कुछ आजकल के नए गाने वाले हैं उनमें भी किसी को सुनती है, कोई पसंद है? मुझे अगर सही बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के नाम नहीं पता, लेकिन अगर कोई अच्छा गा लेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसका नाम आपको याद रह जाता है. मुझे अली अब्बास की सिंगिंग और उसका जब हमने इकट्ठे परफॉर्म किया, मुझे उसका बिहेवियर बहुत पसंद है. वो एज एन आर्टिस्ट वो बहुत सपोर्टिव है. हाँ. अच्छी तरीके से बात करता है. वो पूरी फैमिली बहुत अच्छी है. अच्छा. मैं क्योंकि अली अब्बास, असद अब्बास यहाँ पे आते हैं ना, तो वैसे वो बहुत ही अच्छे भाई हैं. इनफैक्ट उसका एक वीडियो था फकीर. अच्छा. उसमें मैंने एज अ मॉडल काम किया था. हाँ. तो बोले गर्मी इतनी थी तो हमारे जितना हो गया था, हमने कहा इसको इतना ही करते हैं. सो उसके अलावा और कौन है? सज्जाद अली मेरे हमेशा से फेवरेट हैं. हाय, आई थिंक वो भी सज्जाद अली की तो क्या ही बात है, क्या आवाज है उनकी, क्या बात. कहती हूँ ऐसी आवाज किसी की नहीं. और कौन है? अच्छा ये मैं बताऊंगी कौन है. अच्छा नहीं मतलब क्या, ये तो आपने अली अब्बास का नाम ही सज्जाद अली, ये तो मेल सिंगर्स हो गए. हाँ. किसी फीमेल को भी सुनती है? हाँ सबको सुनती हूँ, सबको सुनती हूँ, लेकिन याद मुझे एक भी नहीं रहता. नहीं उसकी रीजन, मुझे लड़कों के भी नाम नहीं याद. ये नहीं कि मुझे नहीं, तो मैं सीरियस हूँ. ये सीरियस है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इनका ये सीरियस वाला रोल जो है ना सबके सामने ना. मुझे आपदा जी बहुत पसंद है, लेकिन न्यू टैलेंट में मुझे मैंने एक्चुअली इतना इस पे वर्कआउट नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं कोई वो नहीं, ऑफेंसिव नहीं होना चाहती हूँ. बस जैसे भी तो देखे ना, जो आपके पास टाइम फारिग होता है उसमें आप चपातियां सेक रही होती हैं, मसाले पीस रही होती हैं, खाने पे वो जिसमें मुझे काम करना है. मैं याद नहीं है मैंने आखिरी गाना अपने चिल आउट के लिए कब सुना था. छोड़ो यार इस पे काम करना. अच्छा तो जब ड्राइव वाला करती तब भी नहीं सुनती है? नहीं सुनती हूँ, पर वही काम वाले सुनती हूँ जिसमें मुझे काम करना है, चाहे वो अच्छा आर्मी के हो. अभी मैंने 6 सितंबर को मैंने एक वो किया था, ए वतन के सजीरे जवानों. हाय अम्मी ने तो मेरी वीडियो देखी. अम्मी पुत्र तू बड़ा चंगा गांधी, पुत्र तू चंगा गांधी जी, पर तू तो बड़ी मेरा रो रही है मेरी वीडियो देख के हॉस्पिटल में बैठे. मैंने कहा अम्मी हौसला. नहीं वैसे वो गाना ही इतना प्यारा है, और आपने यकीनन आपने जो अभी जो कलाम सुनाया ना, और लाइव माशाल्लाह से आपकी जो आवाज़ है उसकी जो पिच है वो क्या ही बात है, कमाल है. अच्छा पीटीवी पे आपको पहली बार मियां यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया? एक्चुअली जो मैंने जिस गाने का जिक्र किया, जो मैंने ड्राइव करते हुए गा रही थी हीर ही जी, उसका वीडियो जो मैंने सुना वो सबके पास है. इवन जब मैं कॉन्सर्ट या शोज पे जाती हूँ तो लोग मेरी ही वीडियो दिखा रहे थे यहाँ पे. सो यूसुफ साहब ने वो वीडियो देखा था, और राहत फतेह अली खान ने मेरा आतिश दिल दी का वायरल वीडियो देखा था जो मैं विदाउट म्यूजिक गा रही थी. अच्छा. सली साहब ने मुझसे फेसबुक पे कांटेक्ट किया था. ठीक. और उन्होंने कॉल किया तो वो कॉल में से मैं एक्चुअली उनको उस वक्त नहीं जानती थी क्योंकि मैं पाकिस्तान काफ़ी साल बाहर रही. अच्छा ठीक. तो पर उनकी बात से मुझे लगा कि इनकी बात में थोड़ा वजन है. हाँ. और थोड़ा मतलब काफ़ी मतलब मुझे लगा कि थोड़ा बंदा यू ना प्रोफेशनल. हाँ. फिर उन्होंने मैसेज किया इज़ दैट यू सिंगिंग का, तो फिर उनकी कॉल है, फिर मैंने उनको वापस कॉल की, फिर मैंने फिर उन्होंने अपने बारे में बताया. मैंने उनको ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानती फलाना. अच्छा. कि मैंने उनकी प्रोफाइल देखी. हाँ, मुझे इतना समझ नहीं आया उस सभी, लेकिन उनकी बातचीत से उन्होंने मैंने कहा अच्छा तो कहते मैं बग्गे के साथ करता हूँ फलाना बग्गा, फलाना बग्गा जो है वो राहत के गाने करता है. तो मुझे इन चीज़ों के अलबत्ता मैं राहत को जाहिर राहत फतेह अली को कौन नहीं जानता, वो भी एक लेजेंड है. बिल्कुल. तो फिर मैंने उससे पूछा तो फिर मैं कब आऊँ, मैं प्लान कर रही हूँ आने का, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं कब आऊँगी. उन्होंने कहा जब मर्जी हो. मैंने कहा नहीं आप मुझे बता दें. मैंने कहा इतना बात करें. हाँ. कहते हैं हम फारिग होते हैं बस तुम आ जाओ. कितने प्यारे. मैं आई हूँ. हाँ. आती मैं उनके घर गई हूँ, मतलब उस दिन अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी, मैं पहुँची हूँ शाम में, गई हूँ बैठे हैं हमने चाय पी है उन्हीं के घर पे. ठीक. फिर वो मुझे बग्गे की तरफ ले गए. ठीक. बग्गे की जैसे हम गए तो आई थॉट कि बग्गा बहुत एज्ड और यू नो बहुत बड़ा सा कोई चीज. मैंने कहा ये बग्गा बहुत छोटा है. कोई हाल नहीं. वी स्टार्टेड यू नो वेरी कैजुअल एंड बग्गा जी ने माइंड तो नहीं किया ये बग्गा है. नहीं बग्गा मुझे देख रहा था, मैं उसको देख रही थी. मैंने कहा बहुत छोटा. मैंने कहा सॉरी बट आई वाज एक्सपेक्टिंग. हां कि पता नहीं कौन बग्गा होगा. हां बग्गा बग्गा नाम से एक चीज पे ज़हन में आ रहा होता है ना कि अच्छा. अच्छा फिर कौन-कौन से गाने गए वहां पे? विरसे में मैंने वंजली वाले ने गाया था और किया है जो प्यार गाया था. गाने हमें ना वो बार बार हमारे चेंज हो रहे थे, स्पेशली मेरे शायद ज्यादा हो रहे थे. अच्छा. तो फिर एंड में मैं 4 गानों के रट्टाफिकेशन. अच्छा. स्कूल के जमाने से. अच्छा अच्छा. फिर मैं 4 याद करके गई थी और फिर उसमें से 2 सिलेक्ट हुए. अच्छा मतलब वो ही देते थे गाने हमें. अच्छा ठीक ठीक. सो
फिर मैंने गा लिया। अच्छा चले, वो आपने बहुत प्यारा गाया होगा हमें यकीन है। थैंक यू सो मच फादिया, आप यहाँ पे इतनी प्यारी बातें की, इतना कुछ पूछना था, इतनी बातें थी, लेकिन टाइम जो है वो अब दिल कर रहा है आपको सुने, बातें भी सुने आपके, लेकिन आपके गाने भी सुने। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, तमाम देखने वालों का शुक्रिया।